आप और हम बहुत सारे प्रश्न करते हैं लेकिन उसका जवाब ढंग से मिलता नहीं। लेकिन इस प्रकार के कुछ प्रश्न हैं जिसका जवाब बाद में मिला, वो क्या था वो आपको मैं प्रसंग के माध्यम से सुनाता हूँ। एक राजा जिस साधु संत से मिलता उनसे तीन प्रश्न पूछता। पहला, कौन व्यक्ति श्रेष्ठ है? दूसरा, कौन सा समय श्रेष्ठ है? और तीसरा, कौन सा कार्य श्रेष्ठ है? सब लोग उन प्रश्नों के अलग अलग उत्तर देते किंतु राजा को उनके जवाब से संतुष्टि नहीं होती थी। एक दिन वह शिकार करने जंगल में गया। इस दौरान वह बहुत ज़्यादा थक गया। उसे भूख प्यास सताने लगी। भटकते हुए वह एक आश्रम में पहुंचा। उस समय आश्रम में रहने वाले संत आश्रम के फूल पौधों को पानी दे रहे थे। राजा को देख उन्होंने अपना काम फौरन रोक दिया। वह राजा को आदर के साथ अंदर ले आए। उन्होंने राजा को खाने के लिए मीठे फल दिए। तभी एक व्यक्ति अपने साथ एक घायल युवक को लेकर आश्रम में आया। उसके गांवों से खून बह रहा था। संत तुरंत उसकी सेवा में जुड़ गए। संत की सेवा से युवक को बहुत आराम मिला। राजा ने जाने से पहले उस संत से भी वही प्रश्न पूछे। संत ने कहा, आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर तो मैंने अपने व्यवहार से अभी अभी दे दिया है। राजा को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने निवेदन किया, महाराज स्पष्ट रूप से बताने की कृपा कीजिए। संत ने राजा को समझाते हुए कहा, राजन जिस समय आप आश्रम में आए मैं पौधों को पानी दे रहा था, वह मेरा धर्म है। लेकिन आश्रम में अतिथि के रूप में आने पर आपका आदर सत्कार करना मेरा प्रधान कर्तव्य था। आप अतिथि के रूप में मेरे लिए श्रेष्ठ व्यक्ति थे। पर इस बीच आश्रम में घायल व्यक्ति आ गया। उस समय उस संकटग्रस्त व्यक्ति की पीड़ा का निवारण करना भी मेरा कर्तव्य था। मैंने उसकी सेवा की और उसे राहत पहुँचाई। संकटग्रस्त व्यक्ति की सहायता करना श्रेष्ठ कार्य है। तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए। इसी तरह हमारे पास आने वालों का आदर सत्कार करने का, उनकी सेवा सहायता करने का समय श्रेष्ठ है। राजा पूर्णतः संतुष्ट हो गया। आपको और हमें समझना पड़ेगा कौन सा कार्य श्रेष्ठ है, कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ है, कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। अगर हम ये सब समझ जाएंगे तो हम जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे।